press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसआरजी टेक वर्ल्ड पर, जहां पर मैं ढेर सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर यूट्यूबर की एक समस्या होती है, जब उसके व्यूज़ नहीं आते हैं तो वो पूछता है कि हम अपनी वीडियो को कहाँ शेयर करें कि हमारे व्यूज़ निकलने लगें। बहुत सारे तरीके आजमाता है, बहुत सारी ट्रिक्स करता है, लेकिन फिर भी व्यूज़ निकलना शुरू नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कहाँ आपके लिए शेयर करना फ़ायदेमंद होगा और सेफ होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक यूं ही पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, और सेफली प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि रॉन्ग प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर हम अपनी वीडियो को शेयर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि यहां हमें शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहां नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी वीडियो को कहां शेयर करना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मली जब हम लोग एक वीडियो बना लेते हैं तो उसके बाद जो पहला लिंक हम लोग शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं हम अपने FB प्रोफाइल पे, अगर पेज है तो वहां पर शेयर करते हैं, जो कि पूरी तरीके से सेफ भी है और सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पेज से तो व्यू आ जाएगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल से व्यू नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो फ्रेंड होंगे 10-5 हज़ार, वो आपको उतना जो है प्रमोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी वीडियो देखे हुए हैं। और आपकी एक लिमिटेड ऑडियंस के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो टेक लवर होंगे, या वो अगर आपका फनी चैनल है तब तो ठीक भी, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कम मिलेगा अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर डालने से। पेज पर आप डाल सकते हो, क्योंकि वहां आपकी अच्छी खासी ऑडियंस होती है, लेकिन फेसबुक पे एक जगह ऐसी भी है जहां पर अगर आप डालेंगे तो आपको रिजल्ट दुगना तिगना मिल सकता है। वो कहां पर है वो मैं आपको बताता हूं। वो है दोस्तों आपका फेसबुक ग्रुप, यानी कि आप जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, मान लीजिए आपने एक फनी वीडियो बनाई, तो जैसे आपने जोक्स वाले जो ग्रुप है वहां पर डाली, वहां पे मिलियंस ऑफ मेंबर्स होते हैं। और ओपन ग्रुप है तब तो बहुत ही मजे हैं, आप नॉर्मली अपना कंटेंट डाल सकते हैं, कोई आपको मॉडरेटर की परमिशन नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं है। अगर क्लोज भी है तो अगर आपका किसी रिलेटिव का या किसी मिलने वाले का ग्रुप है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो नहीं मिलती है, क्योंकि लाखों की तादाद में ग्रुप मौजूद है उसी कंटेंट से रिलेटेड जहां पर सिर्फ यही हो रहा है। तो आप वहां पर शेयर करिए, वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे मेरे पास भी कुछ ग्रुप्स हैं, वहां पर मैं जब डालता हूं अपने कंटेंट को तो नॉर्मली जो व्यूज आता है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसमें आता है, क्योंकि वहां पर जो ऑडियंस होती है वो काफी वाइड होती है। और अगर मान लीजिए कि वहां पर आपका कोई कंटेंट देखता है तो हो सकता है वो उसको सब्सक्राइब भी करे, तो यहां से सब्सक्राइबर बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपकी पर्सनल प्रोफाइल से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, क्योंकि वो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होते हैं, वो कितनी बार करेंगे। लेकिन फेसबुक ग्रुप्स में वो लगातार मेंबर्स रोज जुड़ते हैं 10-5 हज़ार, तो वहां पर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं आपके कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली आप 5 लोगों को भेज सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो आप ब्रॉडकास्ट बनाइए और उससे भेजिए कम से कम 300-400 लोगों को एक साथ बल्क में। और उससे भी बेहतर तो ये है कि अगर आपने 8 या 10 ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं जिसमें लगभग 200-200 मेंबर्स हैं, तो आप उन सब में भेज दीजिए, तो एटलीस्ट आपके 1000 लोगों के पास तो ऐसे ही पहुँच गया आपका कंटेंट। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने 10 ग्रुप में भेज दिया और 200-200 भी मेंबर्स हैं, तो अच्छी खासी ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुँच जाएगा। और दोस्तों, लिंक शेयर करने से पहले उसमें एक टाइटल दीजिए, जैसे लिंक लिखा है उसके ऊपर आपको एक टाइटल देना है। जैसे मेरा कंटेंट है कि कहाँ वीडियो को शेयर करें, तो मैं एक टाइटल बना लेता हूँ कि शेयर योर वीडियो हियर, उसके बाद नीचे डैश लगा के नीचे की तरफ एक सिंबल बना के लिंक दे देता हूँ। तो आप क्यूरोसिटी के अंदर बंदा देखता है, आप उसकी क्यूरोसिटी पे अटैक करिए, आपका कंटेंट यकीनन चलेगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी मैं आपको देना चाह रहा था। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट ट्रिक आप तक यूं ही पहुंचती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।